नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में। आप देख रहे हैं राजस्थान समाचार। आइए दोस्तों जानते हैं राजस्थान से जुड़ी आज की 25 बड़ी खबरें। दोस्तों राजस्थान के सभी जिलों से कई सारे महत्वपूर्ण और काम की खबरें सामने आ रही है। तो दोस्तों अभी राजस्थान से हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, और दोस्तों राजस्थान के कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं उस जिले का नाम कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। दोस्तों राजस्थान से पहली बड़ी खबर आ रही कि राजस्थान में 1377 करोड़ में 1500 गौशालाओं का होगा निर्माण। राजस्थान वासियों के लिए अच्छी खबर आ रही कि राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में 1500 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में पक्की गौशाला का निर्माण किया जाएगा। तो इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को 1377 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति भी जारी कर दी। ग्रामीण स्तर पर होने वाले इस निर्माण का सरकार द्वारा 90% खर्चा उठाया जाएगा, जबकि 10% खर्चा स्थानीय नोडल एजेंसी को वहन करना पड़ेगा। यानी कि 90% खर्चा सरकार देगी, जबकि 10% खर्चा स्थानीय नोडल एजेंसी को वहन करना पड़ेगा। पूरे राजस्थान में 1500 गौशालाओं का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगली अपडेट आ रही कि शिक्षा विभाग ने जिला कलेक्टर को 18 जुलाई तक स्कूलों की छुट्टियां अथवा समय बदलने का अधिकार दिया। तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, और उससे पहले भी शिक्षा विभाग ने कहा था कि 15 जनवरी तक किसी भी जिले के कलेक्टर अपने जिले की स्कूलों के टाइम में फेरबदल कर सकते हैं और वहां छुट्टी भी कर सकते हैं। और दोस्तों शिक्षा विभाग ने एक और आदेश जारी किया कि अब 18 जनवरी तक कोई भी कलेक्टर अपने जिले की स्कूल का टाइम वे वहां पर सर्दी के हिसाब से छुट्टी भी कर सकते हैं, ये अधिकार उन्हें दिया है। दोस्तों इसी के रिकॉर्डिंग एक अपडेट आ रही है उदयपुर जिले से। प्राइवेट स्कूल सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगे। पूरे राजस्थान में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, और उदयपुर में भी तापमान गिरावट की वजह से वहां पर ठंड का असर हो गया है, जिसके मद्देनजर जिला प्रशासन ने उदयपुर जिले के सभी प्राइवेट स्कूलों का समय सोमवार से यानी कि आज से सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक कर दिया है। दोस्तों 22 जनवरी 2023 तक यह आदेश लागू रहेगा। दोस्तों बता दूं कि परीक्षाओं के समय कार्यक्रम में कोई भी फेरबदल नहीं किया गया है। दोस्तों सरकारी स्कूलों का मैं बात करूं तो सरकारी स्कूलों का समय पहले जैसे ही रहेगा, 10 बजे से लेकर 4 बजे तक, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल है उनका समय 9 बजे से लेकर 3 बजे के बीच रहेगा। इसके अलावा दोस्तों इसी से रिकॉर्डिंग खबर आ रही है सीकर जिले से। दोस्तों सीकर जिले में पड़ रही तेज सर्दी को देखते हुए सोमवार से स्कूलों के समय में फेरबदल किया गया है। दोस्तों आज से सीकर जिले के नर्सरी से लेकर 7वीं तक के स्टूडेंट स्कूल का टाइम 11 बजे से लेकर 3 बजे तक रहेगा, साथ ही ये समय 18 जनवरी तक लागू रहेगा। दोस्तों इसके बाद सर्दी को देखते हुए वहां पर बदलाव किया जा सकते हैं। क्या दोस्तों ये खबर आ रही राजस्थान के सीकर जिले से। दोस्तों इसके अलावा एक अपडेट किसानों के लिए है कि हजारों किसानों का फूटा गुस्सा, निकाली ट्रैक्टर रैली। जी दोस्तों ये खबर आ रही राजस्थान के बाड़मेर जिले से। दोस्तों पीएम फसल बीमा स्कीम के तहत क्लेम वितरण में गड़बड़ी के खिलाफ बाड़मेर जिले के किसान का विरोध प्रदर्शन 5वें दिन भी जारी रहा। प्रधानमंत्री फसल बीमा स्कीम के तहत खरीफ फसल 2018 के क्लेम में गड़बड़ी के बाद हाल ही में 2021 की खरीफ फसल में भारी धांधली और किसानों के खाते में मात्र 2 पैसे 5 पैसे की रकम आने से किसान नाराज है। दोस्तों इसी को देखते हुए धरना प्रदर्शन शुरू किया है, और पिछले 5 दिनों से किसान धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। दोस्तों साफ साफ सरकार को धमकी दी है, अगर सरकार उनकी बात नहीं मानती है तो वो आगे और उग्र आंदोलन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान से अगली अपडेट आ रही कि राजस्थान में पारा -7 डिग्री पहुंचा। तो माउंट आबू की मैं बात करूं तो पारा -7 डिग्री तक पहुंच चुका है। या दोस्तों राजस्थान में एक बार फिर से कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। सीकर के फतेहपुर की मैं बात करूं तो दूसरे दिन तापमान माइनस में रहा, या न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस गिर कर -4.7 पर दर्ज हुआ। दोस्तों इस सीजन का सबसे कम तापमान यहाँ पर रहा है। रिपोर्ट की माने तो 15 शहरों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के नीचे जा चुके हैं। दोस्तों बता दूं कि 14 जनवरी से पहले राजस्थान में कड़ाके की ठंड से राहत थी, लेकिन उसके बाद से यानी कि मकर संक्रांति के बाद से एक बार फिर से कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान में 19 जनवरी तक ये कड़ाके की ठंड जारी रहेगी। इसके अलावा दोस्तों अगली अपडेट जानते हैं पेपर लीक मास्टरमाइंड का बंगला 30 घंटे में ढाया। दोस्तों सीनियर टीचर भर्ती पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारंग के घर से जयपुर विकास प्राधिकरण यानी कि जेडी ने अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिया है। जेडी को 3 दिन लगे, टोटल 30 घंटे का समय लगा। आइए अगली अपडेट के बारे में जानते हैं। भारत को मिली वनडे इतिहास की सबसे बड़ी जीत। टीम इंडिया ने वनडे क्रिकेट में नया कीर्तिमान रच दिया है। उसने तीसरे वनडे में श्रीलंका को 317 रन से हराया। वनडे क्रिकेट के इतिहास में ये किसी भी टीम की सबसे बड़ी जीत है। मैच में टीम इंडिया ने पहले खेलते हुए 5 विकेट के नुकसान पर 390 रन विशाल स्कोर खड़ा किया। विराट कोहली और शुभम गिल ने सत्य पारी खेली, जवाब में श्रीलंका टीम 22 ओवर में मात्र 73 रन पर सिमट गई। तो दोस्तों ये थी राजस्थान से जुड़ी कई सारी महत्वपूर्ण और काम की खबरें। सारी खबरें आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों आप राजस्थान के कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं उस जिले का नाम भी जरूर कमेंट करके हमें बताइए।